साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ भाई। 37 साल मेरी उम्र है और 37 साल की उम्र में पहली बार जीवन में लग रहा है कि यार मजा आ रहा है। यस एंड नो। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप सब ने इतना मान सम्मान दिया, इतनी इज्जत दी, इतनी शोहरत दी, उसके लिए मैं और मेरा पूरा परिवार आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। और मैं उस परमपिता परमेश्वर से दुआ करता हूँ कि आने वाले कुछ सालों में, साल, दो साल और तीन साल के अंदर ये दिन भी आपके जीवन में आए और आप भी स्टेज के ऊपर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आप आके आप भी इसी तरीके से डायमंड बने। थैंक यू। नाम मेरा सुरेंद्र पंवार है, उत्तराखंड देहरादून का मैं रहने वाला हूँ। फादर मेरे फौजी हैं और फौजी का बेटा फौज में जाता है। यस या नो? हमारे उत्तराखंड के अंदर फौजी के बेटे फौज में जाते हैं 90%। और बचपन से, जब से पैदा हुआ, एक ही चीज़ सुनी थी कि बेटे तेरे को फौज में जाना है। और उसी काम को एक जोश और जुनून आया कि यार बेटा कुछ भी हो जाए जिंदगी में फौज में जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। फौज के अलावा और भी नौकरियां हमारे होती हैं, मुझे ये पता नहीं था। और मैंने उसके लिए प्रयास करने शुरू कर दिए। जब मैं 9th क्लास में था तब से मैंने दौड़ना प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी और हाई स्कूल पास होते ही मैं फौज के अंदर चला गया। फौज के अंदर गया, वहाँ पर कुछ साल नौकरी की, 4-5 साल नौकरी की। और उसके बाद लगा यार कि यार नौकरी से कुछ बड़ा होने वाला नहीं, जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और उसके बाद अपनी जॉब के साथ साथ, अपने काम के साथ साथ, बाय प्रो बहुत सारे मैंने काम में हाथ डाला, लेकिन कहीं कोई बड़ी सक्सेस मिली नहीं, क्योंकि मेरा नेचर बहुत ही शाही नेचर था। बहुत कम लोगों से मैं बातचीत किया करता था। लोगों ने मेरे खूब मजाक उड़ाया, खूब मेरे को लूटा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लगातार लगा। और ऊपर वाले पर विश्वास था कि एक दिन जरूर आएगा, तेरे को एक ऐसा मौका मिलेगा जिसकी वजह से तेरी ज़िंदगी बदलेगी। और इसी तरीके से मेरी सर्विस चल रही थी, 13 साल मेरी सर्विस हुई थी। और एक मौका मुझे मिला दिल्ली के अंदर, NSC की एक हमारी यूनिट के अंदर एक वैकेंसी आई थी और मैं वहाँ पर वॉलेंटियर पोस्टिंग गया। पोस्टिंग करने के बाद वहाँ पर ट्रेनिंग खत्म होती है, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वहाँ पर मेरे एक शख्स से मुलाकात होती है और मैंने वहाँ पर एक कराटे कोर्स किया, मैंने वहाँ से ब्लैक बेल्ट ली। आज चौथी बार मौका है जब मुझे इस ब्लैक पट्टे का पहनने का मौका मिल रहा है। पहली बार भी तालकटोरा स्टेडियम में मैंने ये बेल्ट ली थी, दूसरी बार भी मैंने इसी बेल्ट को इसी प्लेटफॉर्म यहीं पर लिया था, तीसरी बार भी लिया था। और आप सबके सहयोग से, कंपनी के सहयोग से, सिस्टम और सारे ग्रेट मेंटर्स की वजह से चौथी बार भी इसी तालकटोरा स्टेडियम में इस बेल्ट को पहन रहा हूँ। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सभी ग्रेट मेंटर्स का जिन्होंने साथ दिया पहले दिन से लेके, एक एक चीज़ को मुझे सिखाया, क्योंकि बहुत ही शाही नेचर था, किसी से कोई बातचीत करता नहीं था, लेकिन एक एक चीज़ पकड़ के सिस्टम की मुझे सिखाई और आगे लेके गए। और उस टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी कमांडो टीम का, जिन्होंने लगातार दिन रात मेहनत करके आज हम सबको यहाँ पर पहुँचाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो NSC कमांडो था, वहाँ पर मैंने ब्लैक बेल्ट लिया और इस तरीके से सारी चीज़ें चल रही थी। जीवन में कुछ एक्स्ट्रा करना था, इसी चीज़ को देखते हुए आगे चल रहे थे। और इसी दौरान रात को एक बार 8 बजे के आसपास मेरे को एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन था मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर गंभीर नेगी साहब का। मैं चाहता हूँ सर के लिए जरूर जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सर ने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी, सर ने कहा मैंने एक बिज़नेस की शुरुआत की है और अगर आप भी उसको काम करोगे तो बहुत ही जल्दी आप भी इसमें तरक्की कर सकते हो। मैंने कहा सर बताइए क्या काम है। उन्होंने पहले उस दिन उन्होंने बिज़नेस को स्टार्ट किया था और उन्होंने मुझे बताया ऐसे ऐसे काम है, इसमें टीम बनानी पड़ती है और इस बिज़नेस की शुरुआत होती है। मैंने तुरंत फॉर्म भरा और फॉर्म भर के स्टार्ट किया और उसके बाद कारोबार चलता रहा, धीरे धीरे इस बिज़नेस को सीखना शुरू किया। जब मैं नेगी सर से मिला तो उन्होंने मेरी मुलाकात एक और शख्स से करवाई, मिस्टर लक्ष्य यादव साहब से। और सर से मिलने के बाद सर ने मुझे एक ही चीज़ बताया कि इस बिज़नेस को आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद मैंने बहुत सारी किताबों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया तो मुझे लगा कि यार, क्योंकि ज़्यादा बातें मैं लोगों से करता नहीं था, तो मैंने कहा अगर किताबों का मैं सहारा लूँ और अगर पढ़ने के ऊपर फोकस करूँ तो ज़िंदगी में यार बहुत बड़ी सक्सेस ली थी। और मैंने बहुत सारी किताबों को पढ़ना शुरू किया और जब किताबें मैंने पढ़नी शुरू की तो मेरी एक समझ बनी और मुझे लगा कि यार बिज़नेस करना चाहिए मुझे। और उसके बाद मैंने दिन रात मेहनत करनी शुरू की, छोटे मोटे स्ट्रगल आए, लेकिन मेरे ग्रेट प्लान गंभीर नेगी साहब ने हमें से एक ही बात मुझे सिखाई थी कि बेटा ज़िंदगी में कभी हारना नहीं, रुकना नहीं, टेंशन नहीं लेना, दिक्कत कोई भी परेशानी आए रुकना नहीं। उनका एक ही डायलॉग है, अम्मा मानूंगा नहीं तो हारूंगा कैसे, अम्मा मानूंगा नहीं तो हारूंगा कैसे। और मैंने इस वादे, जो इन्होंने डायलॉग मारा सर ने, मैंने उसी डायलॉग को हमेशा अपनाया। कोई भी तकलीफ आए, अम्मा मानूंगा नहीं, हारूंगा नहीं। मैं लगातार चलता गया, सिस्टम की बातें मानी और ऐसे जैसे जाते जाते सारे ग्रेट मेंटर से मेरी मुलाकात होनी शुरू की, एक से एक चीज़ें सारी सीखता गया और धीरे धीरे कारोबार चलता गया। और आज आप सबके सहयोग की वजह से आज डायमंड के रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ।
दो चीज़ों पे मैंने लगातार फोकस किया। पहली चीज़, पहला मेरा मैसेज आपके लिए यह है, मैंने किताबें लगातार पढ़ी, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो। मेरे साथ में यहाँ पे एक सर हैं भोलू शर्मा जी, इनको मैंने जेएनडीके के अंदर ऐसी जगह पर प्लान दिया था जहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी, सर्दियों का टाइम था। मैं वहाँ पे अपने कपड़े भी लेके नहीं गया था, स्लीपिंग बैग भी लेके नहीं गया था, मैं वहाँ पे सिर्फ एक बैग के अंदर, रुकसुक के अंदर किताबें और लैपटॉप लेके गया था। और मैंने वो फौजी मेरे से काफ़ी सीनियर थे, मुझे लगा यार इनको प्लान दूँ नहीं दूँ, डर रहा था, लेकिन मैंने उनके सामने किताब खोल के दिखाई और उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। आज उन्होंने एमराल्ड की रिकॉग्निशन इस सिस्टम के माध्यम से लिया। तो किताबों के अंदर इतनी बड़ी पावर है, तो लगातार आप भी अगर किताब पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आप भी स्टेज पे ऊपर आने वाले हैं। दूसरी मैंने एक चीज़ की, मैं लगातार अपने अपलायन के साथ टच में रहा, कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, कोई भी सिस्टम की कोई भी दिक्कतें आए, लेकिन मैं लगातार मेरे ग्रेट मेंटर्स गंभीर नेगी साहब के लगातार टच में रहा और वो लगातार मेरे को मोटिवेट करते रहे, लगातार सिखाते रहे और इसकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई। साथियों, इसी तरीके से कारोबार चलता रहा और मेरा बस आपसे एक कमिटमेंट है, क्योंकि समय बहुत कम है, मेरा बस आपसे एक कमिटमेंट है, इस साल हम अभी डायमंड बनाऊं, मैं इस साल डायमंड बनाऊं, इसी साल के अंदर आपकी इस टीम से, कमांडो टीम से 5 डायमंड मैं अपने योगी पोजीशन से लेके आना वाला हूं। जो गाड़ी आपने देखी ब्रेजा कार, इसको हमें बहुत जल्दी रिप्लेस करने वाला, 2022 के अंदर ही 50 लाख की ऑडी कार में मैं घूमने वाला हूँ। अभी भी हमारा घर बन रहा है, देहरादून के अंदर घर बन रहा है, लेकिन मेरा वादा है, मेरे मदर फादर यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं आप सबके सामने बता रहा हूँ, 2 करोड़ का घर मैं अपने परिवार को गिफ्ट करने वाला हूँ। थैंक यू। और असली जो मिशन है वो टीम से है, क्योंकि आज तक इस बेल्ट के लिए काम किया था, मेहनत की थी, खुद डायमंड बनने के लिए मेहनत की थी, लेकिन दोस्तों आज के बाद एक नया कारवां शुरू हो रहा है और बस एक ही मिशन है, अब आज तक अपने लिए मेहनत की है, अब टीम के लिए मेहनत करेंगे और चुन चुन के एक एक आदमी को डायमंड बनाएंगे। मिशन बस एक ही है जो सर ने बताया, कमांडो टीम का एक ही मिशन, 1000 डायमंड और 2030 तक एक ही मिशन, डायमंड 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 डायमंड।